नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स फंडा में मेरा नाम है मानवी और आज के वीडियो सेशन में हम लोग आरबी ग्रेड बी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं इससे पहले भी हम पांच पार्ट सॉल्व कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं क्योंकि उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे आने वाले एग्ज़ाम में आज हम पार्ट सिक्स सॉल्व करेंगे और आज भी हम यहाँ पर टू पदल्स सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस सेट से ही ली गई हैं और देखते हैं क्या दे रखा है उससे पहले मैं आपको बता दूँ गए रवैस फंडाई मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और आई होप आपने कर भी ली होगी डाउनलोड तो वहाँ पर आपको मिलेगा क्या मैं वो बताती हूँ आपको वहाँ पर आपको का क्रेश कोर्स है जो कि हमने वहाँ पर लॉन्च किया था मेन्स लेवल की आपको पज़ल्स मिलेंगी थर्टी प, थर्टी वीडियोज़ हैं विथ सल्यूशन जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी मेन्स एग्जाम में जिस टाइप की टॉपिक्स आजकल पूछे जा रहे हैं जस्ट लाइक है पजल्स ट्रेन कोचेस बेस्ड पजल मैथमेटिकल पजल इनपुट आउटपुट भी दे रखा है ब्लड रिलेशन प्लस सिटिंग अरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है मेन्स के लिए इस टाइप की जो टॉपिक्स हैं वो हमने सारे यहाँ पे कवर किए हैं थर्टी वीडियोज हैं आप वीडियो ऐप में जाकर इनको भी एक्सेस कर सकते हैं तो ऐप डाउनलोड करके इसको आप जरूर देखें आ जाते हैं क्वेश्चंस पर दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन हमें सिक्स पर्सन छः लोग हैं जे के एल एम एन ओ आर वर्किंग इन अ कंपनी दे डेजिंग आर क्लर्क असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिसर एम असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर एंड जनरल मैनेजर फाइन सिक्वेंस ऑफ द पोस्ट इज सेम एज मैं विद क्लर्क क्लर्क इज द जूनियर मोस्ट पोजिशन एंड जनरल मैनेजर इज द टॉप मोस्ट पोजिशन एंड दे ऑल हैव द डिफरेंट एक्सपीरियंस इन द कंपनी हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस है और यहाँ पर सबकी अलग अलग सैलरी है लाइक थर्टी फोर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी एट एंड सिक्सटी के राइट नो टू पर्सन हैव सेम एक्सपीरियंस और सैलरी किसी का भी एक्सपीरियंस सेम नहीं है और सैलरी भी सेम नहीं है देखो पद सॉल्व करने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए अगर आप इसे रीड फटाफट से कर लोगे तो आप ऑबियसली आप फटाफट से इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे अब आपने फटाफट से पढ़ा और समझ पा रहे हैं हम यहाँ पर कि हमें सिक्स पर्सन को सेट करना है उसके बाद हमें इनके डेजिगनेशन सेट करने हैं उसके बाद इनकी सैलरी सेट करनी है सैलरी के साथ ही हमें इन सब का एक्सपीरियंस सेट करना है फाइन तो हमें यहाँ पर इतनी चीज़ें सेट करनी है और छह लोग हमें दे रखे हैं तो हमने ये सारी बातें जो बेसिक बात थी वो फटा फटाफट से पढ़ ली फटाफट से मतलब तो आप चाहो तो उसको जल्दी जल्दी रीड करके अपना स्टार्ट कर सकते हो कि हमें मतलब बेसिक क्या रखना है ठीक है हमने ये पढ़ लिया तो बेसिक हमें यहाँ पे क्या रखना है जो हमें पर्सन दे रखे थे वो हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे जैसे पर्सन के हमें क्या दे रखे थे नहीं पर्सन के अलावा हमें क्या करना दैट इज मिशन तो वो तो फिक्स है ना हमारा और वो ये फिक्स है कि कौन सा हमारा टॉप मोस्ट पोजीशन है कौन सा हमारा सबसे कम सबसे जूनियर पोजीशन है ठीक है वो हमें पता है तो हम उससे स्टार्ट करेंगे हम कर रहे हैं जूनियर से स्टार्ट जूनियर था क्लर्क उसके बाद था असिस्टेंट ऑफिसर देन ऑफिसर देन असिस्टेंट मैनेजर फिर था मैनेजर और फिर था जनरल मैनेजर इस तरह से ये पोजिशन में दे रखी थी मैंने लगाया है जूनियर टू हाई पोजिशन जो क्लर्क था उसमें कम था कम पोजिशन की थी उसकी और जनरल मैनेजर इज द हाइस्ट पोजिशन ठीक है अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे अब लिखा है ओनली टू पर्सन आर सीनियर टू एन केवल दो ही लोग हैं जो एन से सीनियर हैं डेट मीन्स एन से सीनियर है एन कहाँ पर आएगा एन यहाँ पर आएगा तभी तो सीनियर होगा इससे ठीक है द वन इज गेटिंग सैलरी ऑफ थर्टी एट के इज सीनियर टू एन अब जिसको सैलरी मिल रही है थर्टी एट के वो एन से सीनियर है मतलब थर्टी एट के वाला पर्सन है वो इन दोनों में से कोई एक पर्सन होगा थर्टी एट के मिल रही होगी थर्टी एट के इन दोनों में से क्योंकि एनसी सीनियर ये दोनों लोग हैं तो यहाँ बोल रहे हैं सीनियर जो भी है उसको मिल रही है थर्टी एट के फाइन फिर क्या लिखा हुआ है फिर लिखा हुआ है थ्री पोस्ट आर रेयर बिटवीन जे एंड के जे और के में तीन पोस्ट है और जे जो जूनियर है वो जूनियर है जूनियर वो ऊपर आएगा तीन पोस्ट हैं बीच में वन टू एंड थ्री यहाँ पे क्या लिख दिया हमने के एरो बना दिया क्योंकि इसके नीचे ये आना है ठीक है फिर लिखा हुआ है के इज हैविंग इलेवन ईयर्स ऑफ थी, एक्सपीरियंस के का एक्सपीरियंस कितना है भाई इलेवन ईयर्स का एक्सपीरियंस है के का क्लर्क इज गेटिंग द सैलरी ऑफ थर्टी एट थर्टी के थी, क्लर्क को सैलरी कितनी मिल रही है भाई थर्टी के की सैलरी मिल रही है इसको एम इज इमीडिएट सीनियर टू ओ बोल रहे हैं कि जो एम है वो सीनियर है किसके ओ से इमीडिएट है मतलब एम इसके जस्ट नीचे आएगा क्योंकि हमने नीचे वाले पर्सन को सीनियर लिया है जस्ट नीचे आना है तो ओ के नीचे एम एरो लगा दिया हमने इसके जस्ट नीचे आना है फाइन द वन हु हैव द इलेवन ईयर एक्सपीरियंस इज हैविंग द सैलरी मोर देन थर्टी फाइव के जिस पर्सन का एक्सपीरियंस इलेवन ईयर्स का है उसको सैलरी मिल रही थर्टी फाइव के से ज़्यादा दैट मींस देखो हमने अभी लिखा कि के की जो एक्सपीरियंस है वो इलेवन ईयर्स का है तो इसको ही थर्टी एट थर्टी फाइव से ज्यादा मिल रही है अच्छा सैलरी नोट डाउन कर लेते हैं कितनी 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 है भाई थर्टी फोर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी एट और सिक्सटी तो उसको मैं लिख ले रहे हैं अभी हम कौन कितनी कितनी थी भाई ट्वेंटी के थी देन ट्वेंटी फाइव के और फिर थर्टी के फोर्टी के थर्टी एट भी के सॉरी बीच में लाइन वाइज लिख लिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो थर्टी एट के देन फोर्टी के एंड इन द लास्ट सिक्सटी के है ना यही है ना हाँ तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि थर्टी फाइव के से ज्यादा सैलरी है तो कितनी सैलरी है मतलब इसकी जो सैलरी होगी वो थर्टी एट होगी फोर्टी होगी या फिर सिक्सटी के होगी राइट right? फिर क्या लिखा हुआ है एज मैनी पर्सन आर जूनियर सीनियर टू दन टू ट्वेंटी जितने जितने लोगों की सैलरी से ज्यादा है या उनसे सीनियर है, है सैलरी क्या हो गया? Means 25 के से जो ज़्यादा वाले हैं, वो इक्वल है जितनी टू ईयर्स के नीचे वाले लोग हैं ठीक है एन इज नॉट है एक्सपीरियंस ऑफ टू ईर्स मतलब जो एन है उसका एक्सपीरियंस जो है वो टू ईयर्स का नहीं है राइट right, द एक्सपीरियंस ऑफ टू ईर्स के जिसका एक्सपीरियंस टू ईयर्स का है उसकी सैलरी ट्वेंटी फाइव से कम है देखो तो कम कौन सी है भाई ट्वेंटी के है केवल तो यहाँ पे क्या होगा ट्वेंटी के मतलब टू ईयर एक्सपीरियंस वाले की सैलरी ट्वेंटी के होगी राइट द सम ऑफ सैलरी ऑफ ओ एंड एम सैलरी ऑफ एल बोल रहे हैं कि जो ओ और एम की सैलरी है वो एल की सैलरी यहाँ एल की सैलरी की बात कर रहे है। ध्यान हैं ध्यान रखना है हमको सैलरी की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? उसके अलावा और क्या आगे लिखा हुआ है सैलरी राइट right? फिर लिखा हुआ है एक्सपीरियंस थर्टीन ईयर्सरी बोल रहे हैं कि जिसका भी एक्सपीरियंस थर्टीन ईयर्स का है है ना उसको सैलरी ज्यादा मिल रही है उसकी जो सैलरी है वो ज्यादा है किससे ज्यादा है जिसका एक्सपीरियंस जिसकी सैलरी थर्टी के है मतलब जो थर्टीन इयर्स वाला पर्सन होगा उसकी सैलरी थर्टी के से ज्यादा होगी दैट मीन थर्टी एट के हो सकती है फोर्टी के हो सकती है या फिर सिक्सटी के हो सकती है मतलब इसकी थर्टीन ईयर्स वाले की जो सैलरी होगी वो कितनी होगी भाई थर्टी एट हो सकती है फोर्टी हो सकती है या फिर सिक्सटी हो सकती है ठीक है ये बोल रहे थे अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस ऑफ ओ एंड एम आर द कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मतलब एंड विद हैविंग एम लेस एक्सपीरियंस ऑफ देखो एक्सपीरियंस है वो मतलब कॉन्सिक्यूटिव है मतलब इसका चार होगा तो उसका पांच होगा अच्छा एम का, का कम है बोल रहे तो ओ का ज्यादा होगा एक्सपीरियंस ये हम बात कर रहे हैं किसकी एक्सपीरियंस की और जो भी इनका एक्सपीरियंस आएगा वो कॉन्सिक्यूटिव आएगा मतलब क्या है मतलब ये है अगर एम का एक्सपीरियंस एक्स होगा तो इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा एक्स प्लस वन ईयर्स का है ना कॉन्सिक्यूट में यही होता है और एम का क्या है उससे कम है तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया एक्स प्लस और उसका एक्स प्लस वन ठीक है जो भी आएगा उसमें हम प्लस वन कर देंगे फिर लिखा है क्या एक्सपीरियंस ऑफ जे इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ जे एंड एन मतलब जे का जो एक्सपीरियंस है वो किसके इक्वल है वो इक्वल है सैलरी ऑफ सैलरी किसकी डिफरेंस ऑफ द सैलरी जे एंड जे एंड एन जे और एन की सैलरी के डिफरेंस के इक्वल है ठीक है जो उसका एक्सपीरियंस आएगा वो उसकी डिफरेंस इक्वल आएगा राइट फिर लिखा है लास्ट लाइन एन का एक्सपीरियंस कितना है सेवन ईयर्स का है एन का एक्सपीरियंस कितना है सेवन ईयर्स का है बस हमें इतनी बात बता बताती यहाँ से हमने नोट डाउन कर ली ये सब के हमें दे रखी है सैलरीज अच्छा अब देखो अब हम क्या क्या सेट कर सकते हैं सबसे पहली बात ये पता है हमें जे उसके बाद वन टू थ्री के गैप पे हमें क्या रखना है के रखना है जे और वन टू थ्री के गैप पे हमें क्या रखना है के जे है ये वन गैप टू गैप थ्री गैप और फिर के ठीक है अब देखो कहां पर हम रख सकते हैं अगर मैं जे को यहां रखू फर्स्ट वाले पे फर्स्ट पे रखूंगी मैं यहां पर तो वन टू थ्री गैप के यहां पर आ जाएगा बिल्कुल ठीक बात है आ जाएगा दूसरा क्या बन रहा है हमारे पास कि मैं जे यहां गैप पे और के यहां रख दू दो चीजें बन रही है मेरे पास कि जे या तो फर्स्ट पे आएगा या फिर जे सेकंड पे आएगा लेकिन एक बात देखो यहां से कि मुझे ओवर एम को साथ में रखना है ओवर एम को साथ में रखना है मुझे ठीक है अब अगर मैं सेकंड वाले केस की बात करूं जब मैं अगर जे को यहां पे रख दूंगी जे को मैं यहां रख दूंगी तो कोई भी स्पेस स्पेस पे तो 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 आना 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 ही ही है है N तो यहां ना पर तो कोई ऐसा नहीं बचा पे मैं एम को साथ में रख पाऊंगी तो कोई भी नहीं बचा हाँ एक सिंगल है यहां भी सिंगल है यहां भी सिंगल है सिंगल हाँ है कोई सिंगल नहीं बचा इट मीन यहाँ सेम कन्फर्म क्या हो गया कि जे जो है वो फर्स्ट पोजिशन पर आएगा फर्स्ट पोजिशन पर रखने के बाद ही देखो आप रख के बताती हैं आपको जे यहां रख दिया के आ गया वन टू थ्री गैप पे तो ही हमें ओवर एम साथ में मिल पाएंगे यहाँ पर ओवर एम रखने के लिए और एक क्या बच्चे हमारे पास जे के एल एल यहाँ रख दो एक बात तो खत्म हो गई यहाँ से फिर जो के है उसके उसका एक्सपीरियंस कितना है भाई एलेवन ईयर्स का है रख दिया हमने एलेवन ईयर्स का एक्सपीरियंस है और इसकी जो सैलरी है वो थर्टी एट के है फोर्टी के है या सिक्सटी के बिल्कुल ठीक है और हमें इसके नीचे थर्टी एट के रखनी भी थी है ना ध्यान भी होना चाहिए हमें यहाँ पर रखनी भी थी ठीक अब इतना हमने सेट कर दिया अब हम क्या कर सकते हैं और सेट देखो फिर हमको बोल रहे थे कि ट्वेंटी के वाले की जो सैलरी है वो टू जो सॉरी ट्वेंटी के जो सैलरी है उसका एक्सपीरियंस टू इयर्स का है ठीक है और एन का टू इयर्स का नहीं है एन का तो वैसे भी सेवन इयर्स है तो इसको हटा दो इसका तो काम ही खत्म हो गया एन का नहीं है अच्छा अब इसको देखो हम कहाँ रख सकते हैं अगर ट्वेंटी फाइव के यहाँ रखेंगे तो ऊपर और हाँ देखो ये पता है हमको कि टू ईयर्स और ट्वेंटी फाइव ईयर्स इस तरह से आने की जितने इसके ऊपर आएंगे उतने से नीचे आएंगे ठीक है देखो दो स्पेस बच रही है टू ईयर्स और ट्वेंटी क्या क्या बच रही है देखते हैं एक तो स्पेस ये है स्पेस खाली एक स्पेस खाली ये है और एक स्पेस खाली ये है जहां पर हम टू ईयर और ट्वेंटी के को रख सकते हैं ठीक है अब जहां भी हम रखेंगे टू ईयर्स को वहां पे हमें देखना है कि उसके नीचे उतना ही स्पेस और जितना हम ट्वेंटी को ऊपर रख पाए उतने ऊपर हमें रखने हैं अब जस्ट सपोज की मैं टू इयर्स को यहां रख दू मैंने यहां पे रखा इयर्स को जस्ट सपोज अगर मैं टू इयर्स को यहां पे रखती हूँ तो तो भी एक होना चाहिए आ जाएगा लेकिन अगर मैं टू इयर्स को यहां रखू इयर्स को तो भी ट्वेंटी यहां पर आ जाएगा बिल्कुल ठीक बात है आ जाएगा लेकिन अगर मैं

उसका एक्सपीरियंस कहाँ आएगा एम पर आएगा और का कितना आ जाएगा फिर थ्री थ्री ईयर्स आ जाएगा ठीक है लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी है कि भाई टू ईयर्स हो तो फिर एम का वन ईयर भी आ सकता है ये पॉसिबिलिटी बन रही है तो हम इसको भी नहीं नोट डाउन करेंगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये और एम पर ही टू ईयर्स को आना है राइट इसको हटा देते हैं और देखो क्या सेट हो सकता है इसके अलावा और हम क्या सेट कर सकते हैं <coughs> जे की सैलरी जे का एन अभी पता नहीं है जे का एक्सपीरियंस कितना है ठीक है अच्छा और एम की जो सैलरी आएगी वो एन की सैलरी के इक्वल है देखो यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी सैलरी है जो इसका इक्वल जिनको सम करके एल की सैलरी हम निकाल सकते हैं और एम की देखो ट्वेंटी और ट्वेंटी को अगर हम जोड़ें ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव तो कितना आएगा भाई फोर्टी फाइव जो कि देने रखा पॉसिबल नहीं है फिर अगर हम देखें ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फिफ्टी फाइव आ रहा है पॉसिबल नहीं है थर्टी टू थर्टी एट सिक्सटी रहेगा पॉसिबल नहीं है अच्छा कौन सा हमें दिख रहा है जो तो सम हमें यहाँ दिख रहा है सीधे सीधे दिख रहा है वो दिख रहा है देखो तो ये वाला ट्वेंटी प्लस फोर्टी इज इक्वल टू सिक्सटी के और तो कोई सम यहाँ नहीं दिख रहा इट मींस क्या हो गया इट मीन्स एल की सैलरी कितनी आ गई भाई सिक्सटी के आ गई है ना अभी ये नहीं पता कि ओ की कितनी होगी ओवर एम की ओवर एम की ट्वेंटी या सिक्सटी में से कोई एक होगी ओ की और एम की राइट right. इसकी तो पता लग गई जब हमें इसकी पता लग गई एल की तो हमारे पास क्या लिखा था कि इन दोनों में से कोई एक की थर्टी थर्टी एट की होगी इसका मतलब के की सैलरी कितनी थर्टी एट की क्योंकि यहाँ पर हम सिक्सटी के लिख चुके हैं खत्म हो गई बात यहाँ पर थर्टी एट के इसका आगे इसका मतलब इसको हटा देते हैं उसके बाद जे की जे का एक्सपीरियंस कितना पता नहीं है जे और एन की सैलरी पता लग गई है मैं अभी नहीं जे की पता लगी है लेकिन एन की नहीं पता लगी है अभी ठीक है अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है थर्टीन ईयर्स वाले की जो सैलरी है वो ज़्यादा है किससे ज़्यादा है ये वाली है थर्टी फाइव से ज़्यादा थी तो थर्टी एट थी फोर्टी थी या सिक्सटी थी ठीक है अभी थर्टी एट की तो नहीं पॉसिबल क्योंकि थर्टी एट की तो इलेवन हो चुकी है तो इसको हटा दो इलेवन जो थर्टीन ईयर्स की सैलरी होगी थर्टीन ईयर्स वाले एक्सपीरियंस की सैलरी होगी वो तो फोर्टी होगी या फिर सिक्सटी होगी राइट तो फोर्टी यहाँ पर हो सकती है या फिर ऊपर आ सकती है ठीक है अच्छा अब हमें इसको सेट करना ही पड़ेगा टू ईयर्स वाले को ठीक है अब देखो अब यहाँ पर एक बात पता लग गई क्या कि अगर हम टू ईयर्स को यहाँ पर रखेंगे ओ पे तो ट्वेंटी फाइव तो वैसे भी यहाँ पर नहीं आ पाएंगे थर्टीटिकेट आ चुका है इसका मतलब कंफर्म हो गया कि टू हमें कहाँ रखना है टू ईयर्स यहाँ रखना है और ट्वेंटी फाइव के यहाँ रखना है तभी ये सेट हो पाएगा यहाँ पे करेंगे तो थर्टी थर्टी पहले आ चुका है सेट नहीं हो पाएगा टू ई टू ये है तो ये थ्री ईयर्स हो गया ठीक है ये हमारा सेट हो गया ये भी सेट हो गया और टू ईयर्स वाले की सैलरी कितनी है टू ट्वेंटी के इसको भी रख दो ये भी सेट हो गया अब क्या दे रखा था कि जे और एन की सैलरी का डिफरेंस देखो जे की सैलरी कितनी है थर्टी के एन की है थर्टी फाइव के डिफरेंस कितना है फाइव ईयर्स तो एक्सपीरियंस कितना उसका जे का जे का कितना एक्सपीरियंस हो गया भाई फाइव ईयर्स का हो गया अब क्या बचा भाई थर्टीन ईयर्स बचा है थर्टीय यहाँ रख दो इसका मतलब इसका एक्सपीरियंस कितना होना था थर्टीन ईयर्स वाले का एक्सपीरियंस की सैलरी है सिक्सटी के अब सैलरी कौन सी बची ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी हो गई और थर्टी uh, एट हो गई देन फोर्टी देखो ओवर एम का वैसे भी आ रहा था कि ओवर एम का जो सम था वो कितना आना चाहिए था एल के इक्वल डेट मीन्स फोर्टी प्लस ट्वेंटी इट इज़ सिक्सटी के राइट तो यहाँ पर ये यह प्रगल यह यह यहाँ पे सॉल्व होती है ये इसका राइट right आंसर है फाइन क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि जनरल मैनेजर कौन है यहाँ पर देखो कौन है जनरल मैनेजर दट इज़ एल एल डेट इज़ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट से पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द एक्सपीरियंस ऑफ असिस्टेंट मैनेजर कितना है भाई सेवन ईयर्स का है और द वन हु इज गेटिंग द सैलरी ऑफ थर्टी की थर्टी की कैसे मिल रही है इसको इसका एक्सपीरियंस है five, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा जाएगा इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो यहाँ पर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट में लिखा हुआ है एल के रिगार्डिंग कौन से यहाँ पे ट्रू है एल के रिगार्डिंग देखो एल इज क्लर्क नो गलत हो जाएगा एल इज ऑफिसर नो एल इजिंग सेवन एक्सपीरियंस नो एल इज गेटिंग द सैलरी ऑफ लेस देन 30 के नहीं एल को तो मिलकर सिक्सटी के भी जाएगा मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं है पूछो थर्टी एट की सैलरी पाने वाले व्यक्ति के इमीडिएट सीनियर कौन है थर्टी एट क्या ये है, सीनियर कौन है इसके नीचे वाला ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए एल फिर लिखा है क्वेश्चन इज गेटिंग सैलरी लेस देन द सेवन ईयर एक्सपीरियंस सेवन वाले की सैलरी कितनी है ट्वेंटी फाइव इससे कम किसकी है ट्वेंटी ट्वेंटी है किसकी दैट इज एम की दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम फाइन फिर आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमें दे रखी है दूसरी पजल यहाँ पे लिखा हुआ है एट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ थ्री जनरेशन तीन जनरेशन है आर गेटिंग सॉरी आर सेटिंग इन अ सर्कल एंड फेस इन सेंटर सबके सब सेंटर फेस कर रहे हैं और आठ लोगों की फैमिली है तीन जनरेशन है इसमें राइट बनाना स्टार्ट करेंगे लिखा हुआ है टी इज़ मैरिट टू क्यू टी की शादी क्यू से होती है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें बी आर दे रखा हो और सिटिंग अरेंजमेंट दे रखा हो तो हमें उस क्वेश्चन को चाहिए होता है कि हम उसे टू टाइम्स रीड करेंगे फर्स्ट टाइम में हम सारे के सारे उसको रिलेशन निकालेंगे सेकेंड टाइम में उसको सेटिंग अरेंजमेंट में सेट कर देंगे इससे क्या होता है हमारा बहुत ईजी हो जाता है पहले पता लग जाए हमें कि रिश्ता भैया है कौन सा आपस में उसके बाद हम इसको आराम से सेट कर सकते हैं तो इसको भी हम दो बार रीड करेंगे पहले हम सारे क्वेश्चन इसमें से हम निकालेंगे डेटा वो जो हमें चाहिए रिलेशन के लिए फिर हम निकालेंगे वो जो हमें चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट के लिए ठीक है दो बार रीड करेंगे तो फर्स्ट टाइम रीड कर रही हूँ मैं आर टू द राइट ऑफ एन मदर तो हमें यहाँ से पता लगा कि एन की कोई मदर है अब हमें ये नहीं लिखेंगे कि सिटिंग कहाँ पर नहीं हम बस केवल ये लिख ले रहे हैं कि जो एन है उसकी उस पर्सन की मदर है बस हम इतना ही लिखेंगे यहाँ पर ठीक है कोई पर्सन एन है उसकी मदर है राइट ओनली सन ऑफ एम एम का बेटा है के वाल, के वाल एक बेटा है, है तो पी के जो पी का कोई फादर भी होगा एंड शी है यहाँ पे क्या पता लग गया हमें कि जो इनके फादर होंगे सॉरी एन मतलब एन की बात कर रहे हैं ना

तो वो डॉटर इन लॉ हो गई डॉटर इन लॉ और पी के तो अंकल हैं तो पी के फादर उनके भाई या उनकी मम्मी की भाई हो सकते हैं बट अंकल तो होंगे ठीक है एंड फिर लिखा है पी इज द ओनली सिबलिंग ऑफ ओ अब यहाँ पता लग गया कि जो ओ है उसका सिबलिंग कौन है पी है एंड सेट्स, मतलब पी की बात कर रहे हैं पी सिट्स फोर द लेफ्ट ऑफ एम्स डॉटर इन लॉ अब एम की डॉटर इन लॉ है तो एम कि ये ये बेटा था इसकी वाइफ होगी जो डॉटर इन लॉ बन जाएगी इसकी राइट एम इज सिबलिंग ऑफ आर एम जो है सिबलिंग है किसका आर का एंड ही इज मैरिड टू क्यूज चाइल्ड और जो एम की शादी क्यू के बच्चे से हुई है तो हम यहाँ पर थोड़ा सेट कर पा रहे हैं क्या हम सेट कर पा रहे हैं कि टी और क्यू ऊपर आएगा इसका बच्चा जो भी होगा उसकी शादी किससे हुई है एम से हुई है ठीक है और एम का जो सिबलिंग है वो आर है एम का बेटा है ओ इसकी शादी हुई है किसी पर्सन से और इसका एक भाई है जो की भाई या बहन जो की पी है अच्छा इतनी बात हमने सेट कर दी ठीक है इतनी बात सेट हो पता नहीं अभी टी और क्यू में कौन सा क्या है ठीक है फिर क्या लिखा है यहाँ पर एन के बारे में लिखा है एन पता नहीं अभी कहाँ आएगा अब पी पता है हमको जो पी है उनका जो फादर है पी के फादर भाई कौन हो गए एम हो गए पी के फादर राइट इनका एक भाई है तो भाई यहाँ पर आर आ गया तो आर तो इनका भाई हो गया फादर है ये ये भी सेट हो गया फिर क्या लिखा हुआ है कि जो आ, आर है उनकी जो मदर है आर की मदर है कोई तो आर की मदर टी या क्यू कोई कोई एक होंगी नहीं टी और क्यू तो नहीं हो सकती राइट क्योंकि ये जो है टी के बच्चे से इनकी शादी हुई है ओके यहाँ पे क्या लिखा हुआ था आ, आर की मदर कुछ लिखा हुआ था आर इज से ये तो हो गया हमारा ठीक है क्यू इज अपोजिट टू आरस ब्रदर ठीक है आर का भाई है कोई आर का भाई दे रखा था फाइन ठीक है अच्छा फिर से पढ़ लेंगे इसमें भी कन्वीशन फिर से पढ़ लेंगे एक बार इसको अच्छा आगे देखो यहाँ लिखा था आ, एम आर एम सिबलिंग ऑफ आर ठीक है एम को सेट कर दिया एंड ही ही मतलब एम के लिए आ रहा है एम मेल भी है ठीक है ही इज मैरिड टू क्यूज़ चाइल्ड ये हमने कर दिया इसकी शादी क्योंकि बच्चे से हुई है राइट टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस फादर इन लॉ जो है वो एस के फादर इन लॉ के पास के लेफ्ट बैठा हुआ है, अब टी अभी कहां पे? टी तो पता है लेकिन नॉट द मदर ऑफ एन क्यू जो है वो एन की मदर नहीं है ये यह बात यहां से पता लग गई अच्छा एक बात देखो अभी यहाँ पे दो चीजें अभी आठ लोग थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स लोग हो चुके हैं अब तो यहां पर आने एक यहां पर आएगा यहां पर आएगा ठीक है अब अगर मैं एन को मुझे रखना है अब एन को अगर मैं यहाँ रखूँगी नीचे वाली पोजिशन पर एन को अगर मैं यहाँ पर रखूँगी तो आप देख देखोगे कि एन यहाँ पर रखने के बाद मुझे एन के दो बच्चे रखने हैं जो कि पॉसिबल नहीं है तीन जनरेशन थी इसका मतलब कंफर्म हो गया कि एन कहाँ पर आएगा एन आएगा हमारा उसके ऊपर वाले कंडीशन पर पोजिशन पर डेट इज यहाँ पर एन यहाँ पर आ गया एन फीमेल है इसकी मदर है पता नहीं अभी कौन है पता नहीं है और एन के दो बच्चे हैं एक तो पी हो गया एक ओ हो गया और एक की शादी रखी है ये पता लग गया हमको तो ये बात सेट हो गई यहाँ पर अब बस पस पसा एस तो एस यहाँ पर आ गया एस का फादर इन लॉ कौन हो जाएगा ये हस्बैंड इस फादर इज एम हो जाएगा अब यहाँ लिखा था कि क्यू जो है वो एन की मदर रही है तो क्यू ऑब्वियसली बात है क्यू फादर होगा या टी मदर हो गई सब कुछ सेट हो गया बस एक बात ये रह गई जो कन्फ्यूजन वाली है हम अभी चेक कर लेंगे जब हम बनाएंगे अरेंजमेंट तो इसको हटा देते हैं सबसे ये सब चीजें सेट हो चुकी हैं अब आ जाते हैं अपने अरेंजमेंट बनाने पर अब सारे के सारे लोग सर्कल में बैठे हैं बना लेते हैं सर्कल सब के सब आठ लोग जो हैं वो अंदर की साइड इनसाइड फेस कर रहे हैं ठीक है तो ये तो हो गया okay, टीज़ इज मेरिट टू क्यू ठीक है चेक भी जाएगी यहाँ से पजल फिर क्या लिखा है पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे रेड काफी लिख चुके हैं आर इज सेटिंग सेकंड द राइट ऑफ एन मदर एन की मदर कौन है भाई टी है के सेकेंड राइट में कौन हो जाएगा फिर हमारा आर हो जाएगा तो हाँ लिख दो और थर्ड टू द राइट ऑफ पी फादर पी के फादर कौन है थर्ड राइट right में कौन बैठे है? हुए हैं एन बैठे हुए हैं ठीक है फिर सी एज ओनली टू चिल्ड्रन मतलब एन की बात हैं दो बच्चे हैं बिल्कुल ठीक है क्यू सिट्स ऑपोजिट टू आर ब्रदर आर का भाई कौन है भाई एम एम के अपोजिट कौन बैठा है भाई क्यू बैठा हुआ है तो ये लिख दिया हमने पीज अंकल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एनस डॉटर इन लॉ एन की डॉटर इन लॉ कौन है भाई एस है एस के थर्ड राइट में कौन बैठे हैं पी के अंकल पी के अंकल कौन हो गए भाई एम इनके फादर है इनके भाई आर तो इनके अंकल के हो गए और इसके राइट right में बैठे हुए राइट लिख दिया तो एस के राइट right में आ आर है तो इसका मतलब एस यहाँ आ गया था वन टू थ्री राइट में आ रहा पाएगा ठीक है उसके बाद क्या लिखा हुआ है पी uh, ये हो गया हमारा अंकल ठीक है पी इज ओनली सिबलिंग ऑफ ओ पी जो है वो सिबलिंग है o है है ओ का ठीक एंड पी बैठता एम के डॉटर इन लॉ के फोर्थ लेफ्ट में एम डॉटर इन लॉ कौन है एस एस के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है पी एस ये आ गया फोर्थ लेफ्ट इसका इस साइड आएगा वन टू थ्री फोर दैट इज पी यहाँ पर आ गया फिर लिखा हुआ है एम इज सिबलिंग ऑफ आर एम सिबलिंग है आर का ठीक है एंड ही इज मैरिड टू क्यूज चाइल्ड और शादी क्योंकि बच्चे से तो बिल्कुल ठीक है टी जो है वो एस के फादर इन लॉ के बैठा है इमीडिएट लेफ्ट में फादर इन लॉ कौन है भाई टी का एम, है। एम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ गया टी आ गया इसका मतलब एम यहाँ पर आएगा तो इसके लेफ्ट में टी आ पाएगा ये भी हो गई अब एम पता लग गया एम के सेकेंड दो जगह छोड़ के मतलब थर्ड राइट में एन रखना है एम ये है राइट इसका साइड होगा वन टू थ्री यहां पर एन आ गया एम के वर्ड क्या रखना है हमें क्यू रखना है रख दो एम क्यू यहां पर आ गया ये हम रख चुके हैं क्या बचा रखने के लिए पी क्यू आर एस टी और बचा है एस एस तो हो गया नहीं कौन सा बच्चा ओ ओ यहाँ रख दिया तो इस तरह से ये सब हमारे सेट हो गए अरेंजमेंट में ये हो गया सारा हमारा फैमिली ट्री फाइन क्वेश्चन पर आ जाते हैं बाकी सब हटा देते हैं ये तो हमारा सेट हो चुका इसकी कोई नीड नहीं बची थी क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट इधर रखा है क्वेश्चन द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड द राइट ऑफ एन डॉटर एन की डॉटर के थर्ड राइट में कौन बैठा है एन की डॉटर एट इज एस एस के राइट में एस ये वन टू थ्री आर तो आंसर क्या आ जाएगा is, बार चेक कर लेंगे एन की डॉटर एंग डॉटर कौन है भाई अच्छा एस तो उसकी डॉटर इन लॉ है राइट डॉटर इन लॉ है एस डेट इज पी की बात कर रहे हैं डॉटर ये डॉटर इन लॉ है पी की बात कर रहे हैं पी के थर्ड राइट में कौन बैठा है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ओ फिर नेक्स्ट दे रखा है हमको एम हाउ एम इज रेडिट टू द पर्सन हु इज सिटिंग थर्ड टू राइट लेफ्ट ऑफ एस एच के थर्ड लेफ्ट में जो बैठा, बैठा हुआ है उससे एम किस प्रकार संबंधित है यहाँ पर ये बेस okay. गलत ये पर गलत लिख गया यह नहीं आया यहाँ पर एच के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है उसका संबंध बताना है हमें एम से एच के थर्ड लेफ्ट में एस ये है वन टू थ्री एन हो गया एन कौन है भाई एम का एन कौन है उसकी वाइफ है या फिर हम बोल सकते हैं एम कौन है उसका एम उसका हस्बैंड है डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा एम का पूछ रहे हैं ना एम तो हस्बैंड है उसका फाइन तो एस ये कौन है हस्बैंड है ऑप्शन नंबर सी फिर पूछ रहे हैं इसमें से चार जो है वो किसी ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं एक कौन सा क्यू एम आर ओ चेक करते और सारे सारे के सारे मेल हैं और तो कुछ यहां पर इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कॉर्नर वगैरह तो साँगे मेल, साँगे साँगे मेल है इसका मतलब नंबर ई e. फिर नेक्स्ट देखते हैं सा ट्रू नहीं है

ट्रू नहीं है तो ऑप्शन हाँ है फिर क्या दे रखा है? और के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? अगर हम काउंट करते हैं एम के लेफ्ट बेस पसंद गलत दे रखा है एम के लेफ्ट से काउंट करना है और एम और पी बताना है तो एम के लेफ्ट से काउंट करेंगे लेफ्ट इस साइड होगा वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पर्सन बैठे हैं एम और पी के बीच में तो फाइव दे रखा है नहीं मोर देन फोर दे रखा है तो ये आंसर ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फाइन तो इस तरह से यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है पजल ये पजल ये आपको सॉल्व करना है होमवर्क में इसको आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है ये भी जो है वो प्रीवियस में आई ओ क्वेश्चन है आर ग्रेड बी के ठीक है तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे